2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से प्रत्याशी मैदान में अपना दमखम दिखाने लगे हैं। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और लोकसभा प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी के आगमन पर ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल और उनके सैकड़ों समर्थकों ने विशाल जुलूस निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस जुलूस से प्रदीप थपलियाल ने ये तो साफ कर दिया कि वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और लोकसभा प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी का भ्रमण कार्यक्रम था। रुद्रप्रयाग के ज्वालपा पैलेस में प्रदीप थपलियाल के समर्थकों ने विशाल जुलूस निकाला। इसके बाद कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और लोकसभा के प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरह से लोगों में जोश दिखाई दे रहा है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी। मैं गढ़वाल के भ्रमण पर आया हूँ। कोटद्वार सतपुली होते हुए जो है कल पौड़ी में थे, आज पौड़ी से चले श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में, इसके बाद कर्णप्रयाग जाएंगे, कल गोपेश्वर और फिर बद्रीनाथ में जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और इस कार्यकाल में सरकार ने लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम किया है। आज किसान त्रस्त है, नौजवान साथी त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, कोरोना की इस महामारी में सरकार पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाई है। 2022 का चुनाव कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम करेंगे और हम प्रचंड बहुमत से इस सूबे के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं सैकड़ों लोगों का समर्थन पाकर गदगद हुए प्रदीप थपलियाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रुद्रप्रयाग विधानसभा से वो भी दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जीत जरूर मिलेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम यहाँ पे था और उसके बाद हमारा यहाँ से कार्यक्रम एक जुलूस के रूप में बाजार जाना था, लेकिन किसी कारणवश हमारे अध्यक्ष जी लेट पहुँचे। वो कार्यक्रम मार्केट का हमने जो बाजार का था वो स्थगित किया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आना चाहते थे, उनको यहाँ पे शामिल। 2022 चुनाव हैं, ये तो सभी को विदित है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने, यहाँ पे जो कार्यकर्ता था उनकी एक वो था कि स्वागत का था। अगर पार्टी सपोज कांग्रेस पार्टी हम पे विश्वास करेगी तो हम भी प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रहे हैं। देखिए, ये मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनका पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा में भ्रमण चल रहा है, तो मैं उनके साथ हूँ। प्रीतम सिंह जी जो आए हैं उनकी वजह से कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी नई ऊर्जा आई है और रुद्रप्रयाग में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिली है। तो हमारा शुरुआत कोटद्वार से की थी हमने, उसके बाद दुगड्डा से होते हुए फिर पौड़ी और श्रीनगर अभी रुद्रप्रयाग में है और फिर अध्यक्ष जी कर्णप्रयाग से जाके गोपेश्वर से बद्रीनाथ जाएंगे। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।